नमस्कार बच्चों, देखिए आज हम फिर से इकट्ठे हुए हैं हिंदी की इस कक्षा में। देखिए हमारा पाठ 10 पूरा हो चुका है। हम पाठ 10 पढ़ रहे थे। पाठ का नाम है हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ठीक है, ये पाठ हमारा पूरा हो चुका है पूर्ण रूप से। कठिन शब्द, शब्द अर्थ, मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न, मूल्यपरक प्रश्न, अभ्यास एट्सेट्रा, सारी चीज़ें हम पूरी कर चुके हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं पाठ 11 है। कौन सा पाठ शुरू करते हैं? पाठ 11 है। पाठ 11 का नाम है चिड़िया। बच्चों पाठ का नाम ये दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, आप अपनी किताब में देखना। पाठ 11 का नाम है चिड़िया, चिड़िया। ठीक है, ये कविता है। इस कविता के कवि हैं, कवि का नाम नहीं दिया, सॉरी। तो जिसने भी ये लिखी है उस कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताया है? पक्षियों के बारे में बताया है। देखिए यह कविता अत्यंत मनोरंजक अर्थात मनमोहक है। मतलब मनोरंजक मतलब मन को खुश करने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली। ठीक है, तो कवि ने पक्षियों का शोर जो है हमें नींद से जगाने का साधन बताया है। जब सुबह होती है तो सूर्य निकलता है तो पक्षी क्या करते हैं? अपने अपने घोंसलों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अपने अपने घोंसलों से निकलकर बाहर आ जाते हैं और ची ची की आवाज़ करना शुरू कर देते हैं, अर्थात चहचहाने लगते हैं। तो उस हमें क्या होता है कि हमारी भी नींद जाग ख़त्म हो जाती, नींद जग जाते हैं, हम भी अपनी नींद छोड़ देते हैं। जैसे पक्षियों का शोर, पक्षियों ने शोर मचाना, पक्षी शोर मचाना शुरू कर देते हैं तो हमें पक्षियों का शोर जैसे सुनाई देता है तो हमारी भी नींद ख़त्म हो जाती है, हम भी जग जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि पक्षी उठ गई है और पक्षी चहचहाना शुरू कर देते हैं तो हमें लगता है कि पक्षी उठ गई है, पक्षी चहचहा रहे हैं। इसका मतलब सुबह हो गई है, दिन निकल आया है, रात ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि जो हम सुबह जागते हैं, उठते हैं, अपनी चारपाई से अपनी नींद छोड़ते हैं तो उसका साधन क्या है? पक्षी। कि पक्षी हमें सुबह के समय उठाते हैं। नन्ही चिड़िया चीची की आवाज़ निकाल कर हमें उठाती है। छोटी छोटी चिड़िया है, उनकी आवाज़ कैसी होती है? चीची चीची करके हमें उठाती हैं, शोर मचा करके हमें भी नींद से जगा देती हैं। पक्षी हमारी बोली न बोल कर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। पक्षी मनुष्य की तरह बोल नहीं पाता लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ हमें इशारा कर जाते हैं, हमें बहुत कुछ कह जाते हैं, बता देते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि सुबह जब सूर्य निकलता है और पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर बाहर आकर आ जाते हैं और चहचहाने लगते हैं, चिड़िया चीची करने लगती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें हम भी अपनी नींद छोड़ देते हैं और हमें समझ जाते हैं कि पक्षी जब बोलने शुरू हो जाते हैं हमारी समझ में आ जाता है कि पक्षियों की आवाज़ सुनकर कि अब सुबह हो गई है, हमें भी उठ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं पाठ 11 दो चिड़िया। कविता का नाम है चिड़िया। नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी, नन्ही नन्ही प्यारी चिड़िया नित नया गीत गाती हैं, बिस्तर से हमें उठाने रोज़ सुबह आ जाती हैं। तो क्या कहा गया कवि मैंने इससे क्या बताया है कि नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी जो चिड़िया, चिड़िया अब चिड़िया के ऊपर चंद्रबिंदु आया ना, चिड़िया का मतलब है ज़्यादा चिड़िया, बहुवचन है चिड़िया का। चिड़िया एक चिड़िया, चिड़िया चंद्रबिंदु लगने के बाद वो क्या हो जाता है? बहुवचन हो जाता है उसका, ज़्यादा चिड़िया बन जाती है। तो देखिए इसमें कवि ने बताया कि नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी चिड़िया नित मीन्स हर रोज़, नित का अर्थ हर रोज़ प्रतिदिन हमें ची ची करके नया गीत सुनाती हैं। वो ची ची जो करती हैं, चिड़ियों का जो चहचहाना है वो हमें ऐसा लगता है जैसे वो अपनी आवाज़ में हमें कोई गीत सुना रही हो। बिस्तर से हमें उठाने रोज़ सुबह आ जाती हैं और जब सुबह होते ही चिड़िया अपने घोंसलों से निकलकर बाहर निकलकर ची ची की आवाज़ में बोलना शुरू कर देती हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे वे सुबह सुबह हर रोज़ हमें बिस्तर से उठाने के लिए आती हैं, कि हमें भी संदेश देती है कि सुबह हो गई है और उठ जाओ। ठीक है बच्चों, समझ आया? अगला है पकड़ना इनको जब भी चाहो, फुर करके उड़ जाती हैं, फुदक फुदक कर पंख हिलाती ची 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 चहचहाती हैं। तो देखिए इसमें कवि कहता है कि यदि हम चिड़ियों पकड़ना चाहें तो हमारी पकड़ में नहीं आती, हम चिड़ियों को नहीं पकड़ सकते। तो जैसे हम चिड़ियों को पकड़ना चाहते हैं
पकड़ना चाहें तो चिड़िया फुर करके एकदम से उड़ जाती हैं, हमारी पकड़ में नहीं आती, हम चिड़ियों को नहीं पकड़ पाते। और फुदक फुदक कर अपने पंख हिलाती हैं, फुदक फुदक कर चलती है, कभी इधर बैठती है कभी उधर बैठती हैं, फुदक फुदक कर अपने पंख फैलाती रहती हैं, हिलाती रहती हैं और ची ची की आवाज़ में चहचाती रहती हैं। अर्थात चिड़ियों की आवाज़ क्या है? ची ची। अपने ची ची की आवाज़ में चहचाती रहती हैं, कुछ बोलती रहती हैं। अर्थात ऐसे में हमें ऐसा लगता है जैसे हमें अपनी आवाज़ में गीत सुना रही हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अगला। अब ये चिड़िया उड़ रही ना, दिखाई दे रहा चिड़िया आपको, एक इधर उड़ रही है, ये पेड़ पर बैठी है और ये उड़ रही है अपने पंख फैला करके, और ये छोटी सी बच्ची है, ये चिड़िया को बहुत अच्छे तरीके से ढंग से देख रही है, चिड़िया को देख करके बहुत खुश हो रही है, ध्यान से देख रही है। ठीक है बच्चों, तो अगला देखिए, अब लास्ट पैराग्राफ देखिए। लगती बहुत ही सुंदर प्यारी, लगती बहुत ही सुंदर प्यारी, बच्चों को भी भा जाती हैं, सब मिलकर जब बतियाती हैं, बहुत शोर मचाती, बहुत शोर मचाती। तो देखिए इसका मतलब है, लगती बहुत ही सुंदर प्यारी, छोटी छोटी चिड़िया इतनी सुंदर सुंदर है होती है और बहुत ही प्यारी लगती है, अर्थात मन को भा जाती है, सुंदर लगती है, बच्चों को मन भा जाती है। मन भा जाना का मतलब है अच्छी लगती है, बच्चों के मन को भा जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी चिड़िया, प्यारी प्यारी चिड़िया, बहुत ही सुंदर जो चिड़िया होती हैं उन बच्चों को बहुत ही सुंदर लगती हैं, बच्चों उसको पसंद करते हैं। और सब मिलकर जब बतियाती हैं, और जब सारी चिड़िया मिलकर इकट्ठी हो जाती है तो सारी अपनी आवाज़ में चीची चीची की आवाज़ जो करती हैं, तो ऐसा लगती है जैसे आपस में कुछ बात कर रही हों। बतियाना मतलब बातें करना। तो सारी चिड़िया जब इकट्ठी होकर, आपने देखा भी होगा कई बार बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हो जाती है और चीची की आवाज़ में कुछ बोलती हैं, तो ऐसा लगता है वे आपस में बहुत सारी बातें कर रही हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं। तो जब सारी इकट्ठी होकर के जब बात करती हैं, चीची करती हैं, तो बहुत ही शोर मचाती, शोर मीन्स आवाज़, बहुत ही आवाज़ करती हैं, मचाती, मचाती में बिंदी लगी है। तो बच्चों ये ज़्यादा चिड़ियों के लिए आया है, ये सारी चिड़िया मिलकर जब चीची की आवाज़ करती है तो ऐसा लगता है, चीची की आवाज़ में कुछ बातें बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपस में बातें कर रही हैं, और जब आपस में मिलकर वो चीची की आवाज़ निकालती हैं, बोलती हैं आपस में बोलती हुई, तो बहुत ही ज़्यादा शोर हमें उनका सुनाई देता है, उनकी आवाज़ बहुत ही ऊँची हो जाती है सारी मिलकर जब इकट्ठी होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ 11 चिड़ियाँ। ठीक है, तो बच्चों देखिए सभी बच्चे ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कल इसको आप अच्छी तरह से फिर से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपसे मैं पहले इनके बारे में चिड़िया इस पाठ के बारे में आपसे सुनूंगी, क्वेश्चन पुट करूंगी, क्वेश्चन पूछूंगी, सभी बच्चे ध्यान से इसको दोबारा से रीड करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।